press the bell icon for all the updates. संजू फिल्म में नरगिस दत्त का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने अपने रोल और संजय दत्त की लाइफ स्टोरी से जुड़े एक्सपीरियंसेस मीडिया के साथ शेयर किए। मैं संजय दत्त की फैन रही हूँ, तो जब मैं स्कूल में थी तो रॉकी रिलीज हुई थी, सो फिर उसके बाद सालों के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आई वॉज ऑलवेज इन ऑल ऑफ हिम एंड ही इज ऑलवेज बीन माई यू नो स्टार एंड हीरो एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू नो समबडी दैट यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड एडमायर। इसी के साथ मनीषा ने मीडिया से संजय दत्त के साथ उनकी आने वाली फिल्म प्रस्थानम पर भी बात की। वेल आई वॉज सुपर थ्रिल्ड, महा थ्रिल्ड दैट आई गॉट टू वर्क विद हिम अगेन एंड इट्स हिज होम प्रोडक्शन एंड इट्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म एंड द ओरिजिनल डायरेक्टर इज मेकिंग द हिंदी वर्जन एज वेल। 26 तारीख को अर्जुन कपूर ने मनाया अपना जन्मदिन। मुंबई में अपने घर के बाहर आए मीडिया और फैंस के साथ केक काटा। वहीं रात को उनके घर पार्टी करने पहुंचे वरुण धवन, उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल, जानवी कपूर और अंशुला कपूर। थ्री इडियट्स के सीक्वल में दिलचस्पी दिखाई रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो थ्री इडियट्स के सीक्वल में काम करने के लिए बेहद उतावले हैं। कहा कि वो अब राजकुमार हिरानी की किसी भी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। शाहरुख खान की अगली फिल्म का रैप हो चुका है और इसी मौके पर फिल्म की लीड हीरोइन अनुष्का शर्मा ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की और लिखा एक दिल छू देने वाला मैसेज। धड़क फिल्म से द मोस्ट अवेटेड गाना झिंगाट आज रिलीज हुआ। ईशान खट्टर और जानवी कपूर का जोश और मस्ती भरे डांस ने दुनिया को थिरकने पर मजबूर कर दिया। जी, आप लोग ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, धड़क गाने को इतना प्यार दिया है, तो यही उम्मीद है कि झिंगाट को भी वैसे ही प्यार मिलेगा। बहुत खुशी है इस मौके पे। हमारे फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम हिस्सा तो है ये गाना, लेकिन अपने आप में ही इस पे परफॉर्म करने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस गाने का, और ख़ास करके जो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिरिक्स के साथ किया है उसका मज़ा हमने पूरी तरह से उठाया। कलंक के बाद आलिया भट्ट साइन करेंगी अपनी नेक्स्ट फिल्म रणभूमि वरुण धवन के साथ। शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनने जा रही है ये पीरियड फिल्म। आलिया का मानना है कि उनकी और वरुण की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर है। एक्टर इरफान खान की नई फिल्म कारवां का ट्रेलर आज रिलीज हुआ। ये तीन लोगों की जिंदगी के सफर की कहानी है। इरफान खान उमदा अंदाज में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होगी। इसमें साउथ फिल्मों के सुपरस्टार दुलकर सलमान का बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है और मिथिला पारकर भी दिखी एक अनोखे अंदाज में। रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर दिया नया बयान। रणबीर ने कहा कि वो अपने पर्सनल लाइफ को कोई रियलिटी शो नहीं बनाना चाहते। इसी के साथ रणबीर ने कहा कि वो आलिया और उनके रिश्ते का कोई मजाक नहीं बनाना चाहते। अमेरिकन सिंगर निक जोनस से मिलकर बेहद खुश हुई प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा। तीनों एक साथ गोवा में हॉलिडे मनाते दिखे थे। न्यूज 18 को दिए बयान में परिणीति ने कहा कि निक जोनस के साथ उन्होंने अच्छा समय बिताया और वो फैमिली की तरह ही है, और साथ ही साथ प्रियंका ने अपने इंस्टा स्टोरी में निक को कहा अपना फेवरेट पर्सन। आलिया भट्ट अपने रूमर बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ पेरिस जाएंगी। खबरें हैं कि रणबीर अपनी मां नीतू कपूर का जन्मदिन पूरे फैमिली के साथ पेरिस में मनाने वाले हैं। नीतू कपूर का जन्मदिन 8 जुलाई को है।